कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो, बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो तीन बार ताली बजा दो, वो भी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि दो बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जा, उसे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस उभरताने से मांगना जो तुम्हें को देता है वो तुम्हें दे। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देव अधिदेव महादेव है, उसके पास चले जाओ दिल से। ये आत्मा, ये शरीर, ये सोने की रकम है, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ। दुख जब आता है तभी रकम दुकान पर जाती है, तो ये शरीर भी जबी जाना चाहिए परमात्मा के द्वार। अब बहुत गंदा हो गया, बहुत तकलीफ में हूं, कहां जाऊं, सारी दुनिया में भटक कर देख लिया मैंने, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, जब देखो जब यूट्यूब खोलो फेसबुक खोलो तो कहीं ना कहीं का महाराज मिल जाएगा बताता हुआ ये कर लो वो कर लो, अब कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो एक लोटा जल लेकर शंकर के पास जाऊंगी, क्योंकि जल चढ़ाने में ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना किसी का मन दुखे, ना अपना मन दुखे, अपन शिव के भरोसे बस उसके सहारे पर एक लोटा जल चढ़ा कर आऊंगी और उससे कहकर आऊंगी कि मैं तेरे भरोसे पर, तेरे भरोसे। बस तेरा भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे पर रहो, उसके सहारे पर रहो, उसके आनंद में रहो, मत भटको यहाँ वहां, सारी दुनिया में भटक कर देख लेना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला, लोग तुम्हारा धन रख लेंगे, 5,000 यहाँ जमा कर दो, 2,000 वहां जमा कर दो, 3,000 यहाँ जमा कर दो, फिर ये 4 गेहूं का दाना उठा के ले जाओ, ने 5 ये ले जाओ, ने वो ले जाओ, कुछ नहीं निकलेगा इसका साथ, अंत समय में फिर आना ही पड़ेगा शिव के द्वार, अंत बिंदु वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है, और जीते भी शिव के बन जाओ तो मरने के बाद भी शिव के ही होना है, अंत समय के बाद में प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहेंगे, इंद्र इंद्र लोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, पर शमशान में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे कि ओरी कमला तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही रहे, कमला के नहीं गई ना शंकर के मंदिर, इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही महादेव, ये जाती ना तुम्हें टूट रही है निश्चय, बहुत चटर चटर कर। जिंदा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा, डीपी बदल ही नहीं पाओ। मरने के बाद डीपी बदल रही है क्या? अरे बोलो तो सही, एक जैसा फोटो, इतना बड़ा फ्रेम में माला, पूड़ी और खीर चिपकी हुई, और तुम पल्लू लेके मुस्कुराती हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जीवन जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा, और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा तुम्हारा फोटो, इतनी शान से जियो मारा छोरा मारा छोरा, मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया, जब उनका नहीं लगाया तुमने तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी, अरे जी जी जाने दो रही राजस्थान वाली हो। कोई नहीं याद करे, फालतू की बात, जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े खूब खाए, पर कोई नहीं याद करे, कौन याद करेगा, जिंदगी है अलमस्त होकर जियो, रोके नहीं खुश होकर जियो, इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर स्माइल है तो लोग भी परिवार वाले भी कहेंगे कि कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है तो भी कितनी मुस्कुरा रही है, पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद हंस क्यों रही है, उनकी रोटी नहीं भाएगी उनको, आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है, कारण क्या है इसके मुस्कुराने का,
इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो, जब खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार दिखे तो भगवान कहते मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं है यजराम की, बोलो आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बंगुओं से भी कहते हैं तुम्हारी सास कुछ भी बोले वो बोलती रहे, बोलने दो, तुम तो भजन गाओ ना, तुम तो भजन गाओ। वो गाली दे तुम श्री शिवाय, बस सास को ऐसी देख के दो चार बार बोल दो श्री शिवाय, सास भी बोलेगी कुछ जादू कर रही है क्या, बस इतना तो बहुत। तो वो बोले कि जादू कर रही है, कहना पता नहीं मुझे तो नहीं मालूम, पर इस मंत्र में जादू हो सकता है, तभी तो महाराज व्यासपीठ से बोले और लोग लाखों की संख्या में मोबाइल और फेसबुक पर सुनते रहे। इस मंत्र में कुछ तो होगा, ये निश्चित है। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जिभ्या से जितनी बार निकलता है। शिव महापुराण में अभी अभी कुछ समय पहले, एक दो महीने पहले इंदौर में कथा थी, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आया, ये कोई मंत्र है क्या, ये कोई साधना है क्या, लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद में लोगों ने जब शिव पुराण में देखा, शिव पुराण में जब देखना चालू करा तो शिव पुराण में लिखा था विद्येश्वर संहिता में कि इस मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है, उसमें लिखा है। जब लोगों ने इस मंत्र का ऑब्जेक्शन दिया कि ये मंत्र क्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां लिखा, इस मंत्र का क्या प्रयोग होता है, इसको क्यों जपा जाए, जब लोगों ने इसको जब जनमानस में भेज दिया कि ये तो सियोर वाला महाराज ने बनाया मंत्र, ये तो फालतू का है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना, तब लोगों ने फिर पुराण में ढूंढा कि आखिर लिखा कहां है। तब इनने ढूंढा तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति इसको केवल मुंह से बोल भी ले और उसका चेहरा भी देख लो तो ही मनुष्य का सब कार्य सफल हो जाता है। तो फिर बोलने में अपना क्या जाता है, प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्ते। स्मरण है उसमें, लोगों का काम है भरमाना, लोगों का काम है भटकाना, पर शिव महापुराण कहती है आपको भटकना नहीं, आपको शरणागति लेना। शरणागति विभीषण लंका में रहते थे, केकई अयोध्या में रहती थी, केकई अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरी और विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़े। कारण भीतर का जो संस्कार होता है ना, इसको कोई मिटा नहीं सकता। विभीषण के भीतर ऐसा संस्कार था कि विभीषण उससे डोला नहीं, और केकई के भीतर जिदपन था तो उसको कोई डोला कोई नहीं। आज हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं, हिंदू सनातन धर्म की होली आई तो लोगों ने कहा पानी बचाओ रंग मत लगाओ, दिवाली आई बम फटाके मत फोड़ो प्रदूषण आएगा, नवरात्रे आए गरबा मत खोए खेलो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जितने सनातन धर्म के त्योहार आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि प्रयास अपने मन के कंट्रोल पर होना चाहिए। जब विभीषण लंका में नहीं बिगड़ सकता, केकई अवध में नहीं सुधर सकती, हमारा मन का कंट्रोल होना चाहिए। हम जाएं गरबा खेलने, हम जाएं होली खेलने, हम जाएं दीपावली मनाने के लिए, सनातन धर्म के त्योहार आए उसको उत्साह से मनाना चाहिए, उसको उमंगता से मनाना चाहिए, और अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे। हमें हमारे माता पिता ने भेजा है, हमारे माता पिता ने हमको भेजा कि जाओ तुम, ये होली का त्यौहार है, ये दिवाली का त्यौहार है, ये गरबे का त्यौहार है, ये त्यौहार आया है तुम अच्छे से मनाओ, रक्षाबंधन का त्यौहार है। हमारे माता पिता ने जब विश्वास रखकर भेजा है तो हमारे माता पिता के विश्वास को हम तोड़े ना, बस इतना स्मरण होना चाहिए। बाकी का त्यौहार कोई भी हो सनातन धर्म का, उसे दिल से मनाना चाहिए, जितनी उमंगता से मना सकते उतनी उमंगता से मना। में मनाइए, अपने जीवन को आनंद में जियो। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। महाराज त्रियासी लाख 99,999
जन्म फालतू के मिलते हैं, उसके बाद मनुष्य का जन्म है 84 लाख हुआ। कितने जन्म निकल गए इससे पहले बोलो जरा, 83,99,999 जन्म। कभी मच्छर बने थे, कभी जुआ, कभी खटमल, कभी झिंगूर, कभी कीड़ा, कभी जलचर, कभी थलचर, ना जाने कितने कितने जन्म, 83,99,999 जन्म तो ये जीव जंतु के मिले थे। आखिरी का जन्म है 84 लाखवा जन्म। कौन सा? अरे बोलो जमके, मनुष्य का। और 84 लाखवा जन्म, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं दी जी जी कि अपन वापिस मनुष्य बन जाएंगे। वापिस मनुष्य बने ये कोई भरोसा नहीं। अगर दूसरे का पैसा खाकर मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा, और जिसका पैसा खाकर मरे उसी के घर में दूध देना पड़ेगा, और वो नोच नोच के निकालेंगे, नोच खूब रोगी तुम भी कि हमने कौन सा पाप किया था जो इस सेठ जी के यहाँ सारा दूध देना पड़ रहा है। तो दूसरी भैंस समझाएगी तुम्हारे मोहल्ले की पड़ोसन, अरे अपन इसका खा के मर गए थे इसलिए निचोड़ निचोड़ के दे रहे जब तक कर्जा पूरा नहीं हो जाए। खूब झूठ बोलेंगे, अब शब्द बोलेंगे तो अगला जन्म मेंढक का मिलेगा। जितना अनशन बोलेंगे तो हम तुमको मेंढक बन जाएंगे, तुम मेंढक ही बन जाओगे। बोलते एक जन्म 83,99,999 के बाद जो मिला है ये मनुष्य का शरीर बड़ा विचित्र है, अंतिम बिंदु है, आखिरी। और इसमें इतना हमें फालतू के प्रपंच में नहीं पड़ना, घर में रहो, परिवार में रहो, कितना भी झगड़ा हो कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जा, इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जा, नहीं जाऊंगी जा, कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा, नहीं जाऊं मैं तो शादी करके यहीं आई, और यहीं रहो, और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए, तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरे दिन तैयार होकर फिर बैठ जा, पर नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी जा। पहले का जमाना था कि लड़के मायके चले जाते, नहीं जाऊंगे तो जा, सियोर वाला महाराज ने मना करा, साला सर जी में बोला था नहीं जाऊंगी, वो कितना ही कह कि मैं तेरा सामान रख दूं पैक करके छोड़ जाऊं, नहीं जाऊंगी जा। और अगर वो बाहर छोड़ भी दे तो शाम को जब गाय भैंस अपने घर जाए तो उसकी पूंछ पकड़ के अंदर चली जाओ, और वो बोले क्यों आई, कि ना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस ली आई, मैं थोड़ी ना रही, तुम तो पहुंच जाओ। रहो प्रेमवश रहो, नियम ले लेना कि अब अपना 83,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, रोकर नहीं निकालूंगी, खुश होकर निकालूंगी। बीमारी आई है, रोग आया है, तकलीफ आई है, थोड़ा कर्जा हो गया है, टेंशन आ गया है, कोई बात नहीं, हर बात में एक बात को याद रखना कि मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे साथ है, सब चिंता वो मिटा देगा, मेरा बालाजी सरकार बैठा है, सब टेंशन मिटा। क्यों सोच किसके लिए? महाराज मान सम्मान दुनिया देती है, अपमान मेरा देव देता है, इसलिए देता है कि वो अपनी ओर उसको मोड़ लेता है। थोड़ा थोड़ा कोई कभी आड़ा टेढ़ा बोल दे तो गुस्सा नहीं होना, बहुत सोचना कि भगवान ने अपनी ओर खींचा। अपनी ओर खींचा वो साधारण नहीं, भगवान शिव से अपने हृदय की बात, चित्त की बात, भगवान रिटर्न भगवान से, जब दिल से, हृदय से, चित्त से हम भगवान को कुछ कहते हैं, भगवान सुनता है, स्वीकार करता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर शिव महापुराण में आता है, माता अंजना गौतम बाबा और मतंग बाबा के कहने पर आराधना करकर जब शिव रूपी पुत्र को ही प्राप्त कर सकती हैं, तो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में वो बल है कि हम भी परमात्मा से परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं।
ये नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर है। हमारे भीतर जो है वो आत्मा है। विश्वास के बल पर हम जिसको प्रकट कर लें वो परमात्मा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया कि शिवजी हे ओघड़दानी, हे बागंबर धारण करने वाले, मुझे आपसे केवल एक प्रश्न करना है कि मृत्यु लोक में भजन करने का कोई एक निश्चित समय रखना चाहिए या नहीं। कई लोग कहते हैं हम सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठते हैं। हमारा नियम है 9 बजे से 10 बजे तक मैं पूजन करती हूँ। मैं 8:30 बजे शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान के मंदिर पहुंचती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान का ये कार्य करती हूँ। समय से नहीं है। दो बहनें थी, घर में चक्की नहीं थी। जब घर में चक्की नहीं तो दोनों बहनों ने विचार करा कि फिर ये गेहूं को कहां ले जाकर पीसे। किसी पड़ोसी के यहां गई और पड़ोसी के यहां जाकर दोनों बहनें गेहूं पीसने लगी। एक बहन उसमें से गेहूं का दाना उठाती है, खाती है, पीसती रहती है। दूसरी देख रही है, पहली उठाती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। किसी किसी की आदत रहती है कि वो गेहूं या बाजरा या जौ कुछ भी पीसते पीसते मुंह में का दाना पटक लेती है, खाती जाए। अब एक बहन तो मुंह में डालती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। दूसरी मना कर रही है, क्यों पागल जैसे काम कर रही है। जब आटा पिस जाएगा, गेहूं का आटा हो जाएगा, तब घर पर चल के रोटी बना के खाएंगे। अभी तो मुंह में डाल रही है, अच्छी बात सुने ना। क्या कर रही है ये बार 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 एक एक दाने को उठाकर मुंह में डालती जा रही है। समझा है? अब जिस गांव में ये दोनों बहनें रहती थी, दोनों गेहूं पीस रही थी, आटा बना लिया, एक खाती रही, पीसती रही, दूसरी उसको समझाती रही। उसी गांव में कबीरदास जी रहते थे और उसी गांव में जब कबीरदास जी रहते तो ये दोनों बहनें जब आटा लेकर चली और चलते ही इन दोनों बहनों का पांव फिसल गया और फिसला और पूरा आटा कीचड़ में चला गया। अब आटा कीचड़ में गया, कबीरदास जी ने वहीं खड़े होकर बोल दिया, आटो पड़ो कीच में कछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चबायो सोई निभायो साथ। अब कबीरदास जी लिख रहे हैं कि आटो पड़ो कीच में और कछु ना आयो हाथ और पीसत पीसत जो चबायो वही दियो साथ। शिव महापुराण भी यही कह रही है कि भगवान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी चलती हुई जिंदगी में, चलती हुई चक्की में, चलते हुए समय में भगवान के नाम का दाना मुख में डालते चलो। कब जीवन निकल जाएगा और ये जीवन कब खप जाएगा, कोई भरोसा है क्या? और कई लोग इंतजार में बैठे हैं, अभी तो बचपन है, जवानी आएगी जब भजन करेंगे। अभी जवानी है, अधेड़ी आंदो जब भजन करेंगे। अभी अधेड़ी है, बुढ़ापा आंदो जब भजन करेंगे। उम्र का तुम्हारे को मालूम है कि तुम इतने साल में मरोगे? कोई जीवन का ठिकाना है क्या कि कब मर जाओगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा हरी जपेगा। कब ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भरोसा दृढ़ी है, तुम भरोसे के बल पर जी रहे हो तो ये निश्चित है कि शिव तुम्हें साथ। एक पत्र आया, देख पत्र बहुत सारे। बनवारी लाल जी सेन सीकर से हूँ। गुरु जी आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि कहीं बैठे हैं बनवारी लाल जी सेन? कहीं बैठे हो तो हाथ लाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो हाथ लाइएगा। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि पिछले साल मेरी बेटी ने पूजा की
और अभिषेक किया। 14 साल उसकी शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी गुरुदेव। 14 साल के बाद मई के महीने में 2022 को मेरी बेटी के घर संतान हुई है। मैं बाबा को भोग लगाने आया हूं। ये शिव है। एक पत्र और देख, सुनीता सैनी, सुनीता जी सैनी अलवर से आई हैं। कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा 6 महीने से किडनी और लीवर की बीमारी थी। जयपुर का इलाज चल रहा था लेकिन पसीना बढ़ते ही आ रहा था। किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायलिसिस आ सकता है। क्रिटिना बढ़ते ही चले जा रहा था, थम नहीं रहा था। गुरुदेव बहुत दुखी हो चुके थे। खून भी 5 से 6 यूनिट रह गया था। मुझे बहुत चक्कर आते थे, शुगर बीपी थे। मुझे मेरी मम्मी और मेरे पड़ोसन ने, आंटी ने बताया कि भोले बाबा पर जल चढ़ाना, शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, दिल से सुनना। मैंने जल चढ़ाना चालू करा। उन्होंने कहा बेलपत्री चढ़ाकर लाकर खाना भी चालू करना और पानी पीना भी। बेलपत्र खाना भी शुरू किया। बाबा 2 महीने से बेलपत्री पर शहद वाला प्रयोग भी कर रही हूँ और बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैं दवाई खाना बंद कर दिया। श्री शिवाय, आराम है आपको? बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्ते। अब मेरी किडनी और लीवर, डॉक्टर को जांच कराई है, काम करना चालू कर दिया है और किडनी लीवर जो डैमेज था वो भी बाबा की कृपा से अब चल भगा। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा की कृपा शंभो। दीपिका शर्मा रतनगढ़ चुरू से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आती हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। भजन की लाइन बहुत सुंदर लिखी है दीपिका जी आपने। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। मैं बाबा की उदारता का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा मेरे बेटे गौरव महर्षि ने बैंक की नौकरी के लिए खूब प्रयत्न किया। जितनी बार एग्जाम देता नहीं निकल पाता। बहुत समय हो गया गुरुदेव, एग्जाम दे देकर थक गया। आखिरी में लगने लगा कि अब नहीं लगेगी। जो लोग पैसा दे हो सकता है उनका लगता हो, पर बाबा एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। बाबा ने आपकी कथा के माध्यम से पशुपति व्रत किया और शंकर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे को जब अगली बार एग्जाम देने के लिए गया तो RBI बैंक में मैनेजर की पोस्ट प्राप्त हो गई। शिव जी को भोग लगाने आई हूँ प्रणाम करने के लिए। बहुत बहुत बधाई बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। गुरुदेव गायों को लंपी रोग ग्रसित गाय हैं जिनको मेरे परिवार द्वारा शिवजी पर चढ़ाए हुए जल को पिलाने से गाय रोग मुक्त हो गई है। गुरुदेव हमारे यहाँ की गाय भी हमने शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाया तो आराम लगना प्रारंभ हुआ है। ये शिव कृपा है। प्रणाम करती हूँ। हर हर। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत सारे पत्रों का स्मरण है पर समय का अभाव है। आप अपने दिल से, हृदय से, चित्त से, ये सारे पत्र जितने भी हैं यहीं रखे होंगे, इनमें इनके नाम भी रहते हैं, नंबर भी रहते हैं, फोन नंबर भी रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये पत्र आपके पास में ही रहते हैं, ये व्यासपीठ के पास में या पीछे रखते हैं, जगह नहीं होती है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। इन पत्रों का मूल है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा। श्री शिवाय नमस्ते। बेटो बेटो माइक दे लेंगे। बेटो आपका विश्वास मूल है और जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप परमात्मा का भजन करते हो वो सुनता जाए। पार्वती मैया ने शंकर भगवान से पूछा कि कोई समय, ऐसा कोई समय जिसमें भगवान का भजन करने का कोई समय, तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं पार्वती, जब मन हो, जब चित्त हो, जब इस हृदय में, इस मन में, जब तुम्हारे समय की अनुकूलता लगे तब भगवान का भजन कर लो। सारे देवताओं के मंदिर में पट हो सकता है पर शंकर जी के मंदिर में पट की जरूरत नहीं होती, उनको जरूरत है भी नहीं। कैलाश पर कोई पट नहीं, बस भगवान शंकर हैं और आपका विश्वास। अपने चलते हुए समय में, अपने चलती हुई घड़ी में,
अपने चलते हुए समय में भगवान का भजन करो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारी तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो भजन करो, शरीर चले तो मंदिर जाओ, शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले। जब तक तुम्हारी तुम्हारे घर में चल रही है, जो तुमको मन का करना है, मुझे दान करना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे सभामणि कराना है, मुझे साला सर्जी जाना है, मुझे चूरमा चढ़ाना है, मुझे मोहन थाल लगाना है, जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले सारे अच्छे काम करो। जब शरीर चलना बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तुम्हारी तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, तब तुम मन में रखकर बस केवल तड़पोगी, बोल नहीं सकती कि मैं दान करना है, मुझे 2 रुपए देना है, मुझे 50 रुपए देना है, मुझे सभामणि करना है, मुझे भोजन भोग कराना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है, तुम्हारे मन में रह जाएगा और आखिरी तक भी नहीं कर पाओगे। बहुत कम होते हैं सुराना जी, आपके बेटे और बहुओं जैसे भगवान सबको बेटे बहु दें, बहुत कम होते हैं ऐसे कि माता पिता के मन में, पिता के मन में संकल्प आया और माँ ने कहा कि मैं, मेरा मन है एक बार शिवपुराण। हम ये सुराना जी जैन समाज से, पर इनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कथा कराना है और मन में आया तो सुराना जी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ने अपनी बहुओं से कहा, पापा मम्मी का मन है, माता पिता का मन है शिवपुराण कराना। कहा सारी दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि अपन जैन मत पालने वाले और शिव पुराण की कथा, दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। मैं धन्यवाद दूंगा सुराना जी आपके दोनों बेटे बहुओं को, बेटी दामाद आदि जो परिवार जो आपका आया है, आपके भाई, आपकी छोटे भाई की बहुएं, बड़े भाई, बड़े भाई की बहुएं और ननंद आदि जो भी आया है, मामा मामी काका काकी, पूरे परिवार को धन्यवाद दूंगा कि आज इन बेटे और बहुओं ने इस अरेंजमेंट को कर जैसा बन सकता है उसके अनुसार दिल्ली से आकर यहाँ व्यवस्था करना और सबके साथ में, जैसे कल परसों हम जब आए थे आपके यहाँ पर तो सुराना जी के यहाँ से भाभी जी कह रही थी कि मेरा देवर ये लक्ष्मण जैसा है और मेरा यो बच्चा है देवर का, जो भी भतीजे हैं, कहा गुरु जी ये मेरे हनुमान के जैसे हैं, ये पूरा परिवार ने इस कार्यक्रम को दिया, ये आनंद है, यही आनंद है। भगवान ऐसे बेटे बहु दें कि माता पिता के मन में विचार आया और बेटे बहु प्रसन्न चित्त में आकर कर देते हैं, नहीं तो आज की बहुआ कहती क्या करना करके, इतना व्यापार छोड़कर जाएंगे, काम छोड़कर जाएंगे, दिल्ली में इतना फैलारा छोड़कर जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाई का टाइम चल रहा है, रहने दो। बेटे कहेंगे कि हमको ये टाइम नहीं मिलता, रहने दो। पर धन्यवाद सुराना जी आपके बच्चों को जो दिल से कहते हैं हर पल हर घड़ी, जब गए तो बच्चे कहते हैं केवल एक कथा नहीं गुरु जी, आप तो बाबा से विनती करना कि हर साल कथा करवाते रहें, बस यही शिव कृपा, यही शिव कृपा। कमाया कमाया छोड़ गए, अंत में बच्चों के पास चला गया, तुमने अपनी जिंदगी के लिए करा क्या, घर बनाया बच्चों के लिए, जायदाद एकत्रित करी बच्चों के लिए, धन बड़ा बड़ा कर इकट्ठा करा बच्चों के लिए, तुम तो सही से 2 रोटी भी नहीं खा सके, चिंता कर 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 टेंशन कर 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 शुगर हो गई, चिंता कर 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 टेंशन कर 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 बीपी हो गया, ना घी की रोटी खा सकते, ना कोई अच्छी पनीर की सब्जी खा सकते और ना मीठा गुलाब जामुन पेड़ा लड्डू खा सकते क्योंकि शुगर हो गई, और कमाते कमाते जिंदगी निकल गई, अपने लिए करा क्या तुमने। भजन भी अगर सही से कर लेते तो वो परमात्मा भी कहता कि हाँ कुछ मेरे लिए करा, और गए मरकर ऊपर तो यमराज से लड़ाई कर रहे, मैंने नीचे गया था साला सरजी घूमने के लिए तो मैंने 10 रुपए का झंडा खरीदा था, 50 रुपए का चूरमा खरीदा था, भगवान को चढ़ाया था, मेरा पुण्य मैंने करा है इसलिए मुझे बेकुंठ। यमराज ने कहा 50 रुपए चूरमे के और 10 रुपए झंडे के, 60 रुपए इसके हाथ में पकड़ा, नरक भेज दो। दान इतना सा करा और बखान मां बेकुंठ के दरवाजे पर भी जाकर झगड़ा कर रहा, मुझे अंदर जाने दो, मुझे बेकुंठ जाने दो, तो बेकुंठ अधिपति ने भी पूछ लिया, यमन रोग में यमराज ने पूछ लिया, तूने पुण्य क्या करा वो तो बता, मेरे पास इतनी जमीन थी वो तो बच्चों को दिया आया, तो वो भी तो दान के लाएगी, कोई दानवान नहीं, जोड़ जोड़ के सारे परिवार को दे दिया, कौन सा दान पुण्य कर दिया। दान किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं। यहां बैठे हो
और लोग बिस्लेरी की बाटल गाड़ियों में भर भर कर लाए हैं और दरवाजे पर खड़े होकर बांट रहे हैं, लो सा पानी तो पियो सा, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आयो खिचड़ी प्रसाद बट रहा है, पूरी प्रसाद बट रहा है, लड्डू बट रहा है, सेव बट रहा है, भुजिया बट रहा है, ये कौन बांट रहा है, ये जो बांट रहे हैं ये कम नहीं होने वाला, ये आपने अपने लिए बांटा, ये आप आज संसारिक इन जीवों को भले खिला दोगे पर मिलना आपके खाते में।